लोकसभा सीट को लेकर आए दिन मध्य प्रदेश में नए नए घटनाक्रम सामने आते हैं। अब एक बार फिर से धार लोकसभा सीट पे त्रिकोणीय मुकाबला बनाने वाले जेएस प्रत्याशी महेंद्र कन्नौज ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। इसका मतलब है धार लोकसभा सीट पर अब सीधे बीजेपी और कांग्रेस में मुकाबला होगा। देखिए इस खास रिपोर्ट में। जिस जोशो खरोश के साथ जेएस के प्रत्याशी ने लोकसभा चुनाव के लिए ताल ठोकी थी, वह नाम वापसी के दिन समाप्त हो गई। कांग्रेस के साथ ही भाजपा को चुनौती देने वाले आदिवासी सामाजिक संगठन जेएस के प्रत्याशी महेंद्र कन्नौज ने गुरुवार 2 मई को नाम वापसी के अंतिम दिन अपना नामांकन वापस ले लिया। कन्नौज ने फॉर्म वापस लेने की सूचना प्रदेश अध्यक्ष तक को नहीं दी। कन्नौज ने बताया कि जेएस के संरक्षक डॉक्टर हीरालाल अलावा अभी तक बोल रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन मेरे एक भी नामांकन पत्र जमा करवाने के लिए वे नहीं आए। हम लोगों ने डॉक्टर अलावा के कहने व उनके भरोसे पर ही चुनावी मैदान में आए थे, अब वे हमारे साथ नहीं हैं, तो मैंने अपना नामांकन फॉर्म वापस ले लिया है। आज मैंने धारमऊ लोकसभा क्षेत्र से जो नामांकन जमा किया था वो आज मैंने फॉर्म अपना वापस लिया है। उसका कारण ये है कि हमारे नेशनल जेएस संरक्षक डॉक्टर हीरा अलावा जी अभी तक हमको बोल रहे थे कि आपके साथ है, लेकिन अभी तक हमको ऐसा लगा नहीं कि वो हमारे साथ है, ना हमारे साथ एक भी नामांकन में नहीं आए वो। इसलिए हम लोग डॉक्टर हीरा अलावा के भरोसे और उनके कहने पे इस चुनाव मैदान में आए थे, क्योंकि उन्होंने भरोसा दिलाया था, लेकिन अभी तक वो नहीं आए। इसलिए हमको ऐसा लगा कि वो कहीं ना कहीं हमको गुमराह कर रहे हैं, इसलिए आज मैंने खुद ने अपना फॉर्म भरा। देखिए मैं आदिवासी समाज से हूँ और हम सम्मान के सामने झुकते हैं, पैसों के सामने झुकने की आदत न कभी रही है न कभी रहेगी। नहीं कांग्रेस के साथ ये उसका मतलब नहीं है, लेकिन बात हमारी हुई थी साथ में, उन्होंने कहा था कि साथ में खड़ा रहूंगा, साथ में प्रचार करूंगा, लेकिन अभी तक वो आए नहीं। समाज का विश्वास था कि सब एक हो गए, लेकिन हमको एकता जैसा दिखा नहीं, इसलिए मैंने ये निर्णय लिया। तो दोनों तरफ मनावर में कांग्रेस ने उनको नकार दिया था, कांग्रेस के लोगों ने कार्यालय बंद कर दिया था, उनको जेएस के लोगों ने जिताया, इसलिए जेएस उनकी माँ है और माँ का उनको साथ देना चाहिए। उनके कहने पे अगर ऐसा था तो पहले ही बता देते, हम चुनाव मैदान में उतरते या नहीं उतरते पूरी प्लानिंग के साथ। कुल मिलाकर धार लोकसभा सीट में अब भाजपा के छत्तर सिंह दरबार और कांग्रेस के दिनेश गिरवाल के बीच मुकाबला होगा। जेएस के प्रत्याशी के मैदान में उतरने से माना जा रहा था कि यहां त्रिकोणीय मुकाबला होगा, लेकिन जेएस प्रत्याशी के पीछे हटने से अब भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी जंग है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, धार।